के स्पेस में है और कंपनी का नाम है कोपरान। हमको इस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट जो रैंप अप है वो काफी पसंद है। इनफैक्ट कंपनी करीबन 65% फॉर्मुलेशन से कमाती है, 35% एपीआई से कमाती है और काफी वेल नोन फॉर्मुलेशन प्लेयर है। जिस प्रकार के नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए, हमको लग रहा है रैंप अप आगे वाले साल में भी आएगा। इस साल करीबन 500 करोड़ के टॉप लाइन पे कंपनी ने करीबन 61 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। इसमें जो सबसे बड़ा री रेटिंग ट्रिगर रहेगा अनिल जी, वो बेसिकली ये है कि इनको अभी यूएस मार्केट का यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है। इनका एक प्रोडक्ट है एटेनॉल, जो काफी मात्रा में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको प्रेजेंट करते हैं। अभी तक ये एक्सपोर्ट अफ्रीकन मार्केट को करते थे, अभी आने वाले 2 साल में कंपनी कॉन्फिडेंट है कि FY 22 और 23 में यूएस के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो इससे काफी अच्छी री रेटिंग होगी। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 17 से 18 रुपए की अर्निंग और उसके बाद 21-22 रुपए की अर्निंग आएगी। तो फार्मा स्पेस में नीश प्लेयर है लेकिन काफी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। साल भर का नजरिया अगर कोई रखता है तो मुझे लग रहा है कि 350 और 360 ये टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको जरूर इस प्राइस से भी एक्युमुलेट करना चाहिए, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त इन तमाम शेयर पर। अविनाश जी, स्टील शेयरों पर आपसे राय लेना चाहूंगा। चुनिंदा स्टील आइटम्स पर सरकार ने 15 दिसंबर तक एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई है, ये अगस्त में खत्म होने वाली थी। चीन, जापान, कोरिया से जो इंपोर्ट हो रहा है हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर ड्यूटी एक्सटेंड की है। कोई स्टील शेयर आपको पसंद आता है, खरीदारी करने की राय है? इनफैक्ट अनिल जी, स्टील शेयर में जो अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने वाला शेयर है वो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। हालांकि टाटा स्टील भी बेनिफिट करेगा, लेकिन जिस प्रकार का प्राइस आउट परफॉर्मेंस टाटा स्टील में हो चुका है, हमको लग रहा है कि सेल में जिनको बड़ी पोजिशन लेनी है और जिनको 6 से 12 महीने का अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली FY 22 एक अच्छा साल रहेगा, लेकिन वॉल्यूम और प्राइसिंग सेल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इनके लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, आयरन ओर से ज्यादातर सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो यहां से मैं समझता हूं कि 170-175 ये नियर टर्म का टारगेट सेल के लिए बन सकता है, तो इस प्राइस से भी खरीदना चाहिए, अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है। ओके, यहां से भी और तेजी बन सकती है, अपसाइड पॉसिबल है। सिप्ला, जरा इस स्टॉक पर अविनाश जी अपनी राय दीजिए। कल खबर आई थी कि मॉडर्ना के साथ ये करार कर रहे हैं, जिसमें एक जो भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना को यहां पर वैक्सीन देनी है वो ये देंगे। बाद में सिप्ला का ये कहना है कि करार तो है उनका यहां पर ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन अभी तक कमर्शियल लेवल पर कोई करार नहीं हुआ, अगर जरूरत हुई तो करेंगे भी और उसके लिए अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल कमर्शियल करार नहीं हुआ है, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ है। बताएं सिप्ला पर क्या है आपकी राय? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये ऑब्वियस है कि जिस प्रकार का वैक्सीनेशन का फुटप्रिंट अभी हो चुका है, आने वाले 6 से 12 महीने के लिए वैक्सीन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फार्मा कंपनीज के लिए होगी। और सिप्ला के लिए मैं समझता हूँ कि वेरी सून मुझे लग रहा है कि कमर्शियलाइजेशन का डील भी अनाउंस होगा। मार्केट इसी एंटिसिपेशन पे होप कर रही है कि ये जैसे ही अनाउंस होगा, इसमें ऑब्वियसली मार्केट्स नंबर्स और रेवेन्यू की एस्टिमेशन लगाएगी, तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर को खरीदना चाहिए। ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स काफी अच्छे हैं और प्लस अगर ये वैक्सीन की यूज फ्रक्टिफाई होती है तो इसका इंपैक्ट आपको FY 22 में जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो थोड़े से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, इनको पोजिशन इस प्राइस से भी लेनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये न्यूज आने के बाद इसमें और अच्छी तेजी आएगी, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। अनिल जी, फिनोलेक्स केबल के नतीजे बहुत ही दमदार है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कमेंट्री और जिस प्रकार का ऑर्डर बुक है, डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में भी नंबर अच्छे आएंगे। इनके लिए एक ही दिक्कत है कि अभी जो इनपुट प्राइसेस है, कॉपर के प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो प्राइसिंग डेफिनेटली आगे चल के कैसे पैन आउट होगी वो बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और दूसरी एक कंपनी जो हमको पसंद है और जिन्होंने भी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए, वो यूनिवर्सल केबल्स है। यहाँ पे भी नजर रखिए, थोड़ा सा इनलिक्विड स्टॉक है लेकिन यहाँ पे भी जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है कि फिनोलेक्स केबल एज वेल एज यूनिवर्सल केबल, ये दोनों शेयर्स पे नजर रखिए। हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, बहुत अर्निंग्स और ऑर्डर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशन रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे है, क्योंकि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो कॉपर, ऑल्दो पास थ्रू है लेकिन इसमें प्राइस इंक्रीज और रॉ मटेरियल इंक्रीज में थोड़ा सा समय लगता है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही शेयर्स अच्छे हैं। ओके,
तो ये है आपके लिए यूनिवर्सल केबल और फिनोलेक्स केबल दोनों पर आपके लिए राय। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि नंबर थोड़े से मिले जुले हैं, यहाँ पे कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया नहीं है, और ये अगर यू नो पॉलिसी डेवलपमेंट अगर आता है तो डेफिनेटली यू नो राइस कंपनीज के लिए काफी फायदा होगा। ये कंपनी थोड़ी सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज के कारण भी थोड़ी सी यू नो दबी हुई थी। होपफुली अगर यू नो ये ईरान की डील की बात पॉसिबली फ्रक्टिफाई होती है तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मेरी राय में इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए, ये डेवलपमेंट अभी भी कंप्लीटली फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई गिरावट अगर आती है तो ही खरीद लीजिए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रिगर रहेगा, अगर होपफुली ये फ्रक्टिफाई होता है तो यू नो मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट होने के बाद में ही एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिलेगा। तब तक मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि दीपांशु आईजीएल में डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से कमजोर थे, इनफैक्ट अगर इनके क्वार्टरली नंबर्स देखे तो कमजोर थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री हमको लग रही है कि काफी पॉजिटिव है। प्लस जिस प्रकार का इनका नेटवर्क एक्सपांशन इन्होंने प्लान किया है, और प्लस जिस प्रकार से पोस्ट कोविड सीएनजी वॉल्यूम्स वापस बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा जा सकता है। ये बिजनेस वैसे भी कैश रिच बिजनेस है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY22 होपफुली अगर कोविड यू नो नॉर्मल होता है तो सेकंड हाफ में आपको बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए, हालांकि स्टॉक यू नो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव फ्लेवर भी है, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई खरीदता है तो कम से कम साल डेढ़ साल में बहुत अच्छे रिटर्न इस प्राइस से भी मिल सकते हैं। इनफैक्ट दीपांशु आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लेकिन अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो काफी बढ़िया है, और जिस प्रकार का इनका मोनोपोली विटामिन डी में है, जिस प्रकार की जरूरत अभी कोविड में ये प्रोडक्ट्स को लग रही है, प्लस इन्होंने काफी एक्सपांशन की है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी मैनेजमेंट की कॉमेंट्री रहेगी, आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है, यहाँ पे इन सब मुद्दों पे मैनेजमेंट का क्या नजरिया रहेगा, क्या आउटलुक रहेगा, उससे ही हमको लग रहा है स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि नतीजे इतने खराब है कि स्टॉक में कोई बड़ी बिकवाली आएगी, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक बार क्लेरिटी मैनेजमेंट से आने के बाद यहाँ पे वापस रीरेटिंग आएगी, और आने वाला साल दैट इज FY22 काफी अच्छा रहेगा, और FY21 तो पार्टली कोविड से भी इम्पैक्टेड था, तो डेफिनेटली आई मीन लॉन्गर टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कल की ज्यादा यू नो बढ़त के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि इससे क्या होगा कि जो प्राइसिंग पावर है ये दोनों कंपनीज को काफी फायदा होगी। मुझे लग रहा है कि असाही इंडिया ग्लास को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से यू नो ऑटोमोबाइल सेक्टर चला है, प्लस इनके फाइनेंशियल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो यहाँ पे निवेशकों को डेफिनेटली एक अच्छी मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजिशन लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी मार्केट शेयर ये एंजॉय करते हैं, और ये अगर बेनिफिट मिलता है तो इनको डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट प्राइसिंग में और कॉम्पिटिटिवनेस काफी फायदा होगा। सेंट गोवेन भी काफी अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि असाही इंडिया ग्लास में तेजी का माहौल ज्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे अगर आपको निवेश करना है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं, असाही इंडिया ग्लास पर रखे नजर। बट अच्छी खबर आ रही है सेंट गोबिन असाही इंडिया ग्लास दोनों काउंटर्स के लिए, यहां पर आपको एक्शन बढ़ते हुए दिख सकता है।